ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। वर्चुअली हावड़ा पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात से पुरी में खुशी की लहर। पुरी के कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य की दी प्रस्तुति। यहां पर पुरी से हावड़ा के बीच में करीब 500 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में होगी पूरी। यात्रा में 20% समय की बचत भी होगी। वंदे भारत अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ लैस है। 360 डिग्री रोटेटिंग रेक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी कैमरा, दिव्यांग फ्रेंडली शीट नंबर्स, इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों का फायदा होगा। ओडिशा के रेल नेटवर्क को मिली है मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आगाज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का वीडियो आया सामने। म्यूजियम में दिखी भारतीय संस्कृति की एक झलक। संग्रहालय में दिखेगी भारत के इतिहास की झांकी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी बयां करेंगी दीवारें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कट लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जी किशन रेड्डी समेत अर्जुन मेघवाल रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्ड्स का किया अनावरण। इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का विषय है संग्रहालय स्थिरता भलाई। G20 समिट से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। 3 स्तरीय सिक्योरिटी के तहत घाटी के चप्पे चप्पे पर निगरानी। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की बढ़ाई गई सुरक्षा। G20 बैठक को लेकर तैयारी तेज। एनएसजी कमांडो ने G20 बैठक से पहले लाल चौक क्लॉक टावर का किया दौरा। विस्फोटक सामग्री को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा का जायजा लिया। डल झील की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। मरीन कमांडो ने शिकारा संचालकों की लिस्ट की तैयार। डल झील की सैर करने वालों की भी ली जानकारी। जम्मू कश्मीर को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के मद्देनजर G20 निभा रहा अहम रोल। गुलमर्ग में जोरों पर चल रहा विकास का काम। G7 समिट को लेकर तैयार है जापान का हिरोशिमा शहर। समारोह को लेकर की गई भव्य तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार को जापान के लिए होंगे रवाना। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी को मिला जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का न्योता। G7 समिट में शामिल होने के लिए भेजा निमंत्रण। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा हिरोशिमा। साल 1974 में हुआ था पोखरण में परमाणु परीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा है खास। हिरोशिमा में परमाणु हमले में जान गंवाने वाले पीड़ितों को समर्पित पीस मेमोरियल पार्क का भी करेंगे दौरा। सिद्धरमैया के सर पर सजेगा कर्नाटक का ताज। डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिवकुमार। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केसी वेणुगोपाल ने आलाकमान के फैसले की जानकारी दी। कर्नाटक सीएम को किया औपचारिक ऐलान। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज शाम 7 बजे बंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आप केसीआर जगनमोहन रेड्डी और बिजन को निमंत्रण नहीं। बाकी पार्टियों को कांग्रेस ने भेजा न्योता। कर्नाटक को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान। कहा अगले साल लोकसभा चुनाव है इसलिए पार्टी के हित में फॉर्मूले पर सहमति। बंगलुरु में सिद्धरमैया के घर के बाहर जबरदस्त जश्न। कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। केसी वेणुगोपाल के घर सहमति के बाद नाश्ता। एक ही टेबल पर बैठे सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार। बैठक के बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार साथ साथ निकले। एक ही गाड़ी में गए खड़गे के घर। खड़गे के साथ मुलाकात के बाद दौरान दिखी एकजुटता। साथ नजर आए डीके और सिद्धरमैया। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर भी हुई चर्चा। आगे की रणनीति को लेकर हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर। किरण रिजिजू से वापस लिया गया कानून मंत्रालय। रिजिजू के बाद उनके डिप्टी को भी कानून मंत्रालय से हटाया। अर्जुन मेघवाल को मिली नई जिम्मेदारी। बनाए गए कानून मंत्री। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के अतिरिक्त मिली जिम्मेदारी। किरण रिजिजू को मिला भू विज्ञान का विभाग। राष्ट्रपति भवन से जारी हुई अधिसूचना। कपिल सिब्बल ने किया ट्वीट। लिखा कानून के पीछे का विज्ञान समझने की जरूरत है।
मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई। ट्वीट कर लिखा कि आइए महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से है। मुंबई दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वीर सावरकर के घर का किया दौरा। दिल्ली को मिलेंगे नए चीफ सेक्रेटरी, सीएम केजरीवाल ने केंद्र से पीके गुप्ता के नाम पर मांगी सहमति। जलीकट्टू को लेकर आया बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू और बैलगाड़ी रेस की वैधता को रखा बरकरार। लैंड फ्रॉड जॉब स्कैम मामले में राबड़ी से हो रही ईडी की पूछताछ खत्म, सीबीआई भी कर चुकी है पूछताछ। फरीदकोट में आयकर विभाग की दबिश, पंजाब में शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के घर पर रेड। पटना में बाबा बागेश्वर के भक्तों पर एक बार फिर से दिखी दीवानगी, बाबा के दर्शन के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचे भक्त। भक्तों ने एयरपोर्ट पर लगाए जय श्री राम के नारे, बाबा बागेश्वर ने स्वीकारा भक्तों का अभिवादन। चार्टर प्लेन के चारों ओर दिखे भक्त, बड़ी मुश्किल से विमान में सवार हुए बागेश्वर बाबा। बिहार के बाद अब गुजरात में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, 26 मई से 2 जून तक प्रस्तावित है ये कार्यक्रम। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में सजेगा बाबा बागेश्वर का भव्य दरबार, भक्तों में छाई खुशी। बाबा बागेश्वर ने बिहार दौरे पर तोड़े कई सारे रिकॉर्ड्स, कथा के दौरान भक्तों की संख्या गई 30 लाख के पार। 19 मई को दुनिया भर में रिलीज होगी पंजाबी फिल्म मेरा बाबा नानक, इस फिल्म में जाने माने पंजाबी कलाकारों ने काम किया है। रोहतक के नगरपालिका कर्मचारी संघ ने किया अनोखा सा प्रदर्शन, थाली बजाकर सांसद के कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। झांसी में सामने आया एक अजीबोगरीब सा मामला, कृषि विभाग के सर्वे में खुलासा हुआ, जिले में लगभग 3200 लोगों को मरने के बाद भी मिल रहा सरकारी योजनाओं का फायदा। दिल्ली पुलिस का अनोखा सा कदम, निर्भीक स्कीम के तहत 400 स्कूलों में लगाए थे कंप्लेन बॉक्स, छात्राओं ने बताई अपनी आप बीती। हुगली की बेटी पियाली बसाक ने पांचवीं सबसे ऊंची चोटी मकालू पर लहराया तिरंगा, पहले एवरेस्ट, लोसा और अन्नपूर्णा पर्वतों की कर चुकी चढ़ाई। करनाल में अदिति शर्मा बच्चों के लिए चलाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चे खेल खेल में करते हैं पढ़ाई। बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए गया का महाबोधि वृक्ष तीर्थ स्थल, वृक्ष की सुरक्षा में तैनात रहते हैं 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी। बंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा ने अपने जन्मदिन पर लक्ष्मी वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, आशीर्वाद दिया। हरिद्वार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात, 120 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 528 लाभार्थियों को सौंपी प्रधानमंत्री आवास की चाबी, चाबी पाकर खुश हुए सभी। निवाड़ी को सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात, 96 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने जालसाजी को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी ने की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों के साथ मुलाकात, छात्रों को किया सम्मानित, छात्रों के परिजन यहां पहुंचे। मंदसौर में सीएम शिवराज की युवाओं को बड़ी सौगात, सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की नेता साधु प्राची ने बच्चों के साथ देखी फिल्म केरल स्टोरी, बाकी लोगों से भी फिल्म देखने की अपील। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का रंगारंग समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 16 गोल्ड मेडल, 4 रजत पदक पर कब्जा किया, 6 देशों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल थे। बांदा में डीआरएम ने स्टेशन और रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए कई सारे निर्देश। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट 24,000 किलो राहत सामग्री लेकर हुआ रवाना, वहां फंसे 150 भारतीयों को लेकर करेगा वापसी। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय का बड़ा फैसला, एमसीडी के चीफ असेसर को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाने का आदेश। बंगाल में रिलीज होगी द केरला स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन, सी ममता बनर्जी ने लगाई थी रोक।
दिल्ली पुलिस की स्कूलों में कंप्लेन बॉक्स लगाने की मुहिम रही कारगर, छोटी बच्ची की शिकायत के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ के एनेस्थीसिया विभाग ने तैयार किया नया उपकरण, सर्जरी के समय आसानी से भाप सकेगा मरीज की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन। जामताड़ा के किसान ने बाग में उगाया विश्व का सबसे महंगा आम, 1 किलो की कीमत 2,70,000। जमशेदपुर में पहली बार नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, यहां से चयनकर्ता महिला खिलाड़ियों का चयन विश्व कप के लिए करेंगे। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेताओं ने द केरला स्टोरी देखने के लिए बुक किया पूरा थिएटर, सांसद विधायक के साथ बड़ी संख्या में फिल्म देखने पहुंचे कार्यकर्ता। मुंबई में मॉनसून से पहले मीठी नदी में चल रहे सफाई अभियान का जायजा लेने पहुंचे सीएम शिंदे, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बारामती में मराठा आरक्षण के लिए पैदल यात्रा कर रहे लोगों से मिली सांसद सुप्रिया सुले, सड़क पर खड़े होकर बातचीत की, केंद्र के सामने मांग रखने का दिया आश्वासन। आसनसोल में लिट्टी चोखा उत्सव का आयोजन किया गया, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लिया हिस्सा। अयोध्या पहुंचे यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद, राम मंदिर में निर्माण कार्य का जायजा लिया। दिल्ली में वन विभाग इको क्लब पर्यावरण विभाग की शानदार पहल, यमुना की सफाई को लेकर शुरू किया आई लव यमुना अभियान। गन्नूर में हैंडलूम म्यूजियम का शुभारंभ किया गया, लोगों को फ्री में मिलेगी एंट्री। आगरा में आर्ट ऑफ गिविंग डे का आयोजन किया गया, ताज के गेट पर मार्बल डीलर ने लोगों को बांटे उपहार।